भाई दिखाओ भाई, शुरू करो। पहला क्या? अल्लाह के मेरी टीम मुझे कह रही है पहला गोश्त। अच्छा क्या इसकी असल कीमत क्या है? चलो भाई देखते हैं कौन कितनी शॉपिंग। 1150 दोबारा दिखाओ जरा। 1150 ये बीफ है, दो बीफ है, ये बीफ है ना, 1150 हाँ बीफ है, बीफ 1250। ये बोन्स के साथ है या विदाउट बोन्स? विदाउट बोन्स। बोनलेस तो फिर ये 1250 होगा। विदाउट बोन्स है 1250। 1250 जो जिसने गेम तीन लोग 1250 कह रहे और तीन लोग 1150। हमें इससे क्या कुछ भी हो, लेकिन देखते हैं असल में क्या है। हाँ 1150 गलत है। आप लोग तुम्हारा गोश्त पागल बना रहा है। मुझे लगता है हाँ, लगता लगता पे चल रहे हैं। आगे बढ़े, क्या अज्जा आ रहा है? सब 80 बोल रहे हैं। असल में क्या है प्याज की कीमत, मुझे तो यहीं से पता चलती है। सही सही, सारे यहाँ पे शुगर लोग आए हैं। सब अपने घर का खाना खुद खरीद के लाते हैं। टमाटर 60 से 70 महंगे हो गए। 60 से 70 टमाटर 60 से 70 जैसे जैसे डॉलर महंगा हो रहा है, टमाटर भी महंगे हो रहे हैं। दिखाइए भाई, सब यही कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कहीं और मंडी का रेट हो गया। ये सब्जी मंडी की तो रेट नहीं है। ये छोटे टमाटर बताए आपने भाई, हम बड़े वाले की बात कर रहे हैं। मैंने तो कुछ टाइम पहले अभी मैंने 100 रुपीज के पूछे थे, ज्यादा भी थे 2 दिन पहले। 100 से अरे नमक चला गया। अच्छा गेहूं, इन दोनों से 40 का देखते हैं असल में क्या है। बड़े अच्छे लग रहे तुम लोग। मैं तो लेती रहती हूँ आधा किलो। क्या है 90 के 110? 90 का ही 90 मेरा जो जॉ है ना वो गलत है, तुम जॉ ले रहे हो जॉ। हाँ भाई नेक्स्ट 325 होगा, दूसरी में जाओ तो 325 क्योंकि दालों के रेट ऐसे ऊपर गए। हाँ मुझे एक पाव का पता है, हर दुकान 325 325 रुपए पाव है। दिखा भाई क्या है। देखा आपको रेट्स भी पता चल रहे हमारे शो के, मतलब हलीम का ऐसा शो कि उसके अज्जा के रेट्स भी पता। एक किलो के अब आप सारे रेट्स जमा करके अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आप घर में बनाते हैं वो सस्ता बनता है या जो बाजार से लाते हैं। कैलकुलेशन मैंने कहा ना, हिसाब किताब बहुत जरूरी है, जरूरी है। जी नेक्स्ट। अच्छा मूंग दाल 330 हाँ, जब मूंग की दाल 300 बोल रहे, कोई नहीं जेब से जा रहे हैं। लेकर आता है 300 की
हाँ भाई नेक्स्ट दिखाओ। माश की दाल क्या है? 260 माश की दाल 290। कब ली आपने आखिरी दफा? एक किलो है। मुझे कब खरीदी आपने? 290 मुझे 260 मुझे क्योंकि 260 जब मेरी गवर्नमेंट आएगी ना मैं 260 में बेचूंगा। 290 ओके जी दिखाइए क्या है असल रेट। यूटिलिटी स्टोर से ले रहा हूँ। अदरक 70 बहुत महंगा है। दिखाई नहीं सस्ता हुआ है। बकराईद में 250 रुपए पाव। ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है। मैंने रिसेंटली 120 भी लिया। एक पाव है क्या ये? पाव यार आप अपना बोल रहे हैं। किलो नहीं है 900 रुपए 40 रुपए 40 अदरक सस्ता हुआ है। नहीं सस्ता हुआ 70 रुपए महंगा है अदरक। और अदरक में और ज्यादा महंगा है। 70 कर ले 70 कर ले महंगा हो गया। 70 ओके जी देखिए भाई मैं तो कह 70 भी कम लिखा हुआ है। मैंने ये कहा ये भी कहा मैं ये कह रहा था कि 100 होना चाहिए। 1000 रुपए 800 लोग ये दफा अगले इलेक्शन में कर दिए। ये मंडी के रेट है मुझे 1200 रुपए किलो मेरा। हां ऐसे ही था इस पे। डॉक्टर मेरा आप भी सीख रही है ना वो कैसे करिए वो कर महंगा ले लिए मैंने बिना गड्डी 25 रुपए 25 या नहीं 15 भी हो सकता 15 तो कुछ भी नहीं 15 रुपए का कुछ 15 रुपए का अंडा नहीं आ रहा 15 रुपए सब जीत गए माशाल्लाह। तुम जो हो ना वो नीचे से फर्स्ट आए हो। मैं जो हूँ ये राशन सही से खरीद नहीं रहे लोग। तुम जिस दिन मैं बार्गेन कर रहा हूँ मांगना छोड़ो मैं बार्गेन कर रहा हूँ तुम्हें रेट का पता चल रहा है।